सभी को नमस्कार। मैं गोविंद पारिक हृदय से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस के दांडेली दैनिक समाचार पर। आज तारीख है 14 अक्टूबर, वार सोमवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। नमस्कार, मैं गीता अर्जुन शिकारीपुर। दांडेली में स्थित कई बैंकों के एटीएम पिछले कई दिनों से बंद है और जो एटीएम चालू स्थिति में है उनमें नगद उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से दांडेली के नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी विषय पर हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा के प्रबंधक से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है और पिछले कई दिनों से बंद है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि चौधरी गेट के समीप स्थित यह एटीएम है, कई दिनों से बंद है। और भी दिखाता हूँ, जबकि एसबीआई भारत की सबसे मान्यता प्रधान बैंक है, ये बंद है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बहुत दिनों से बंद है ना ये, बहुत दिनों से बंद है, वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और भी कई है ब्रांचेस जो बंद है, बंद है। और ये त्योहार के टाइम पे बंद है, बंद है, है ना। और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे चलते हैं और दिखाता हूँ। इस वक्त मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा में, मेन ब्रांच में हूँ। मेरे साथ यहाँ के मैनेजर साहब है। साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारा सर हमारे चैनल में। सर जी, कई एटीएम्स बंद है, क्या उम्मीद करें सर, लोग बहुत तकलीफ में है। उसमें दो एटीएम, आपको थोड़ा बारिश की वजह से प्रॉब्लम हुआ था, मैक्सिमम 20 से 30 दिन तक समझ लीजिए, एक मंथ में एक्टिवेट हो जाएगा। एक महीने में? कौन सा वाला सर? वेस्ट कोस्ट वाला, वो रेडी हो जाएगा। दूसरा वाला क्या है कि मिशन खराब है, उसका रिप्लेसमेंट हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, वो जो म्युनिसिपैलिटी के सामने है वो लेट होगा, लेकिन ये दो तो आपको रेडी हो जाएगा। वो सब ऑलरेडी ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी वेस्ट कोस्ट में बात कर लिया है, उन्होंने कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए 3 से 4 हफ्ते, मैक्सिमम एक मंथ रख लीजिए, एक महीने में वो स्टार्ट हो जाएगा, उसमें अंदर हो जाएगा। हमें भी थोड़ा ये इसके लिए खेद है, लेकिन हो जाए। क्यों बोले तो सर, बहुत लोग तकलीफ में, मुझे समझ है, मुझे पता है, काफी लोग तकलीफ में है और उनको यहाँ तक आना पड़ता है। आप भी तकलीफ पाता है? नहीं, लोगों का भी मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन क्या है ना, थोड़ा टेक्निकल इश्यू था, अब हो गया है सब। आपको और वो वाला म्युनिसिपैलिटी के सामने वो थोड़ा लेट होगा, क्योंकि मिशन आना है, वो पार्ट इंडेंट कर चुके हैं, आना है, थोड़ा टाइम आना है, हो जाएगा, वो थोड़ा लेट लगेगा, ये तो रेडी हो जाएगा। उम्मीद करता है साहब जल्दी हो जाएगा, थैंक यू, जल्दी से जल्दी कराओ सब, मेरा आपके स्टाफ भी आराम। नमस्कार, मैं कांचना कामले। दांडेली के कई जगहों पर पड़े और फैले कचरे के ढेर को हमने वीडियो के द्वारा दिखाकर नगर सभा से स्वच्छ करने का आग्रह किया था। नगर सभा ने इस विषय को प्राथमिकता देते हुए उन सभी जगहों को जहां कचरे का ढेर था स्वच्छ किया। कुछ गैर जिम्मेदार नागरिक फिर उसी जगह पर कचरा फेंककर दांडेली की खूबसूरती का कम करने का कार्य कर रहे हैं। नगर सभा के आयुक्त ने हमसे बात कर हुए इन गैर जिम्मेदार लोगों के प्रति कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ये जगह देखिए, ये न्यायाधीश उनका घर है और ये सामने 14 ब्लॉक है ना, ये दो बिल्डिंग है ना, ये है ना, ये दो बिल्डिंग है। इस जगह का हालत देखिए, इस जगह को दिखाइए, ये जगह हालत देखिए,
नगर सभा ने इसको पूरी तरह स्वच्छ किया था, नगर सभा ने स्वच्छ किया था। आपका नाम? मेरा नाम बशीर अहमद। बशीर आपका? मलिक मुल्ला। मलिक आपका नाम क्या है? रमेश। रमेश यहाँ कचरा इतना फेंक रहे हैं जिसका हिसाब नहीं। अरे वो गैर जिम्मेदार लोगों, आपको कितनी बार समझाना कि कचरा फेंकने की जगह नहीं है। ये स्कूल के बच्चे आते जाते यहाँ से आते ना, बच्चे स्कूल के आते। अब अगर आप लोग कचरा फेंकते हो तो कमिश्नर और अध्यक्ष ने ये बताया है कि आपको दंड दिया जाएगा। आपको बोलने से समझ नहीं आता, आपको दंड देना चाहिए। यह हालत आपकी खरीदी हुई जगह थोड़ी नहीं है, जब चाहे वहाँ कैसा होना वैसा कचरा फेंक रहे हो। तो आप लोग एक काम करो, अब कोई कचरा फेंकता है ना तो आप लोग की भी जिम्मेदारी है इस गांव को अच्छा करना, खूबसूरत बनाना, हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ ना समझ, और क्या बोलूँ आपको, वो लोग जो इस गांव को गंदा कर रहे उनको सुधारने का हम काम करेंगे। आपका वीडियो बनेगा कमिश्नर के पास, नगर सभा अध्यक्ष के पास, और जिधर जिधर जाना उधर उधर जाएगा। हम जो भी हमको पता चलेगा आप फेंक रहे हो तो उसका वीडियो बनेगा, और कौन बना रहा है वीडियो आपको पता भी नहीं चलेगा। ध्यान रखिएगा, है ना, गलत बात है ना। सही है, गलत बात है एकदम। यहाँ कचरा फेंकना किधर होना, उधर फेंक रहे हो, शर्म करो, ये गाँव आपका है। गाड़ी आता है सुबह सुबह उधर डाल देना कचरा, इधर क्यों लेके के डालते हैं? घर तक आता है, म्यूनसिपालिटी पूरी व्यवस्था कर आए, हर गली गली गाड़ी आता है, फिर भी यहीं डालता है, यहीं डालते है। इस वक्त मैं दांडेली के नगर सभा में हूँ, मेरे साथ माननीय आयुक्त जी है, जो कि काफी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नगर स्वच्छ रहे, हमारे लोग स्वस्थ रहे। लेकिन आप कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं रहे हो। साहब आप लोगों ने वहाँ पे स्वच्छ किया, न्यायाधीश जी के घर के बाजू के रास्ते को जो रोटरी स्कूल को जाता है पूरी तरह स्वच्छ किया, आज वहाँ पर लोग और कचरा फेंके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता है साहब, आप इन लोगों के खिलाफ कुछ तो कुछ कानूनी कार्रवाई करो या दंड लगाओ साहब। हमारा गाँव बहुत गैर जिम्मेदार लोग है सर, क्या करने का इसके बारे में सर? ದಾಂಡೇಲಿ ನಗರವು ಖ್ಯಾತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಗರವಾಗಿದ್ದು ಈ ನಗರವನ್ನು ಅತಿ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಈ ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ ನಮ್ಮ ದಾಂಡೇಲಿ ನಗರ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವಿಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ದುರುದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲವಿಷ್ಟು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕಸವನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜನರಿಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ, ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪಕ್ಕ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೋಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಮೇಶವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಸಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಸವನ್ನು ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಮೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ 2 ದಿವಸ 5 ದಿವಸ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಾರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿದೆ 2015-16. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಗರಿಕರು ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಸವನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು ಮತ್ತು ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಅಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಅಂತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
धन्यवाद सर, बहुत जरूरी है आप लोग जिम्मेदार बनो, ये गांव आपका भी है, हमारा भी है, हम सब का है, हाथ जोड़ के विनती है आओ इसको और खूबसूरत बनाए, वरना साहब ने जैसा कहा आपको। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कल हमने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब है ऋषि विश्वा। कमेंट्स में जवाब देने वाले हैं काव्या मेदार, मंजुनाथ पाटिल, सागर गजिनकर, असलम नवाब, काव्या बी ठाकुर, नीलेश पाटिल, खलीलुल्ला मिर्जा, प्रवीण मिश्रा, देवानंद सड़ेकर, योगेश कदम, अनंत कामत, नितिन कुमार हलसगी, सना ट्रेडर्स, लक्ष्मण तेरदाल, मुख्तियार सामराणी, बालचंद्र कंबार, किरण वैष्णव, शीला विनायक और भारती साड़ा। आज का सवाल, दो देशों के राष्ट्रगीत को लिखने वाले महानुभाव का नाम कमेंट्स में बताएं, किस महानुभाव ने दो देशों के राष्ट्रगीत को लिखा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी हमारे इसी चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस पर।